अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आई हूँ गुड़ की खजूर की रेसिपी, जिसे हम खस्ता भी कह सकते हैं। अगर जिन्हें मीठा खाना पसंद है, उन्हें डायबिटीज़ है, तो वो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं आज लेकर आई हूँ गुड़ की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने यहाँ पे 450 ग्राम आटा लिया है, जिसे मैंने 2 कप भी कह सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 350 ग्राम गुड़ लिया है। और यहाँ पे मैंने गरी लिया है, जिसमें मैंने कद्दूकस कर लिया था। सफ़ेद तिल है। और मैंने यहाँ पे 1/4 कप सूजी लिया है। अब हम गुड़ में 1/2 कप पानी डालेंगे। और हमने इसे गर्म करने के लिए रख दिया है, जब तक गुड़ अच्छे से पिघल ना जाए। हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है। तब तक के लिए हम तिल को भी रोस्ट कर लेते हैं। ये ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है आपको, हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए हमारा गुड़ भी पिघल चुका है लगभग। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, गुड़ हमारा हो चुका है। चलिए हम इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर तक छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए गुड़ हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें आटे में हम गरी को डालेंगे। और यहाँ पे मैंने सूजी भी ऐड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे जो रोस्ट करके तिल रखा था, सफ़ेद तिल, वो भी डाल देंगे। और इसे अच्छे से मैश करेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, जिससे फ्लेवर अच्छा आता है। अब हम गुड़ को छन्नी में छान लेंगे, क्योंकि गुड़ के नीचे गर्दा बैठा रहता है। जब भी आप बनाएं तो आप छन्नी में छान लें, क्योंकि गुड़ के नीचे हमेशा कुछ गर्दा गंदगी जैसा रहता है। इसे हम थोड़ा थोड़ा गुड़ को डालेंगे। यहाँ पे हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा जो आटा है, इसमें थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, अंदाज से कहिए तो 50 ग्राम के लगभग। ज़्यादा हमें नहीं डालना है रिफाइंड ऑयल, नहीं तो ये जब हम छानेंगे ना, इसको फ्राई करेंगे, तो ये टूटने लगेगा, इसलिए हिसाब से डालना है। देखिए यहाँ पे हम जितना गुड़ था वो सब आटे में लग गया। और देखिए छन्नी में गंदा भी बैठ गया है। हमने इसे डो को बना लिया है, थोड़ा सा हल्का हमने आटा थोड़ा सा और डाल के इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका डो एकदम चिकना अच्छा बने। और अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने जो इसमें सूजी डाला है वो अच्छे से थोड़ा सा फूल जाए इसमें, और जो हमारा गुड़ का जो खस्ता है, खजूर, अच्छा बने। चलिए हमारा तेल गर्म हो रहा है। अब हम गुड़ का जो खजूर है बना कर रेडी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम गोल गोल पहले हम करेंगे इसको। इस तरह से अब हम आप चाहें तो प्लेन भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये छोटा सा डलिया है, उसी को हम डिज़ाइन कर लेंगे, जिसे दिखने में अच्छा लगता है। देखिए आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। इस तरह हम करके सारी टिकिया बना लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ राउंड शेप दिया है, और इसमें
और इसमें कुछ लेंथ भी दिया है देखिए, और कुछ सिंपल वाला भी प्लेन दिया है। आपको जो अच्छा लगे तीनों में, आप जो कोई भी बना सकती हैं, चाहे तो आप तीनों तरह से बना सकती हैं। तो चलिए अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके धीरे धीरे से हम तेल में डालेंगे। देखिए हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, इसको दोनों तरफ से एकदम लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अंदर से थोड़ा सा भी कच्चा ना रहे। देखिए हमारा कितना क्रिस्पी जो है खजूर बन रहा है। आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है रेनी सीज़न, इसमें बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो है गुड़ के खजूर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ खजूर हमारा कितना क्रिस्पी, कितना खस्ता बना हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में शेयर कीजिएगा। नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।